अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, वालेकुम मैं हूं दोस्तों, मैं मोहम्मद हूं मोहम्मद फेल। आप फेल। देख आप रहे हैं देख रहे क्रिकेट हैं जोन क्रिकेट यूट्यूब जोन यूट्यूब चैनल। चैनल। पीसीबी का पीसीबी का पीएसएल के बाद पीएसएल एक के और बाद एक क्रिकेट और लीग क्रिकेट शुरू लीग करने शुरू पर करने पर गौर। गौर। वीडियो की तरफ वीडियो चलने की से तरफ पहले चलने आप से दोस्तों पहले से आप एक दोस्तों छोटी से सी एक रिक्वेस्ट छोटी है सी कि अगर रिक्वेस्ट है आपने कि अभी अगर तक आपने मेरे अभी इस तक चैनल मेरे इस को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं नहीं किया किया तो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और और साथ साथ ही ही खड़े खड़े बेल बेल आइकन आइकन के के बटन बटन को को जरूर जरूर दबाएं। दबाएं। इसका इसका फायदा फायदा ये ये होगा होगा कि कि हम हम जो जो भी भी वीडियो वीडियो अपलोड अपलोड करेंगे करेंगे आप आप तक तक वह वह आसानी आसानी पहुंचेगी। पहुंचेगी। पीसीबी ने पीसीबी ने पीएसएल पीएसएल की की तर्ज तर्ज पर पर वोमेन वोमेन क्रिकेट क्रिकेट लीग लीग शुरू शुरू कराने कराने पर पर गौर गौर शुरू शुरू कर कर दिया। दिया। बाखबर ज़राए बाखबर के ज़राए मुताबिक के मुताबिक वोमेन लीग वोमेन का लीग का इनाकाद बोर्ड इनाकाद के बोर्ड वजन के वजन वजन 2022 का हिस्सा है, जबकि इसे जबकि इसे 2021 से शुरू करने की तस्वीर सामने आई है। मस्कूरा लीग मुस्तकबिल की खवातीन क्रिकेटर्स की कैप सामने लाने के लिए तैयार करदा रोड मैप का हिस्सा है। वोमेन क्रिकेट लीग के हकूक पीएसएल के फ्रेंचाइज को देने की तजावीज पेश कर दी गई। मालूम हुआ है कि पीसीबी वोमेन विनिंग की सीनियर जनरल मैनेजर शाहिद असलम की निगरानी में लाए अमल के तहत 2022 तक पाकिस्तान वोमेन क्रिकेट टीम में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाई जाएगी। सीनियर्स की जगह नया टैलेंट शामिल किया जाएगा। इस हवाले से अंडर 17 की सत्ता पर एकेडमी बनाने का असूली फैसला किया गया है। इस मनसूबे पर अमल करते हुए पाकिस्तान वोमेन ए टीम भी तश्कील दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।